अंतिम बैठक होगी आज, पहले कार्यकाल की ये अंतिम बैठक है। लखनऊ से ये खबर सामने आ रही है, योगी कैबिनेट के पहले कार्यकाल की ये अंतिम बैठक और शाम 5 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। नई कैबिनेट पर हो सकती है विस्तृत चर्चा। तो पहले कार्यकाल की अंतिम बैठक ये कैबिनेट बैठक, योगी कैबिनेट की अंतिम बैठक आज, और नए कैबिनेट के गठन को लेकर भी विस्तृत चर्चा हो सकती है। तो सीएम योगी के पहले कार्यकाल की अंतिम ये बैठक और आज शाम 5 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। लखनऊ से ये खबर सामने आ रही है, नई कैबिनेट पर विस्तार से चर्चा हो सकती है और पहले कार्यकाल की ये अंतिम कैबिनेट बैठक आज शाम 5 बजे लखनऊ में होगी। तो योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल की ये अंतिम बैठक और आज कैबिनेट की बैठक शाम 5 बजे होगी। और नई कैबिनेट पर हो सकती है विस्तार से चर्चा, नई कैबिनेट का गठन किया जाएगा उसको लेकर विस्तार से चर्चा हो सकती है, लेकिन उससे पहले आज कैबिनेट की अंतिम बैठक होगी और उस पर नए कैबिनेट को लेकर विस्तार से चर्चा हो सकती है। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। दिनेश जी, आज अंतिम बैठक है, क्या कुछ इसमें चर्चा किस बात पर हो सकती है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास 5 कालीदास मार्ग पर या फिर लोक भवन में ये कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार का अब कार्यकाल समाप्त हो गया है, चुनाव हो गया है, पार्टी को बहुमत भी मिल गई है। ऐसे में ये योगी कैबिनेट की अंतिम कैबिनेट होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि आगे की कार्य योजना क्या हो, मंत्रिमंडल में किसको किसको शामिल किया जाए, क्योंकि कई मंत्री हार भी गए हैं, और सरकार के 5 सालों की समीक्षा, कार्यों की समीक्षा होगी और आगामी 5 सालों में कैसे क्या किया जाए उसका रोड मैप तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री, अभी जगह तय नहीं हुआ, ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होगा या लोक भवन में होगा यह तय नहीं हुआ है, लेकिन समय तय हो गया है, शाम 5 बजे योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा आगामी 5 सालों के कार्य क्रियाकलाप के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा, और जो पिछले पांच साल 17 से 22 के कामों की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ योगी कैबिनेट के सभी मंत्री जो चुनाव जीते हैं वो शामिल होंगे, हालांकि कई कैबिनेट मंत्री हार गए हैं, अब उनके शामिल होने न होने की अभी संभावना तय नहीं हो पाई है, उनका तय नहीं हो पाया है, लेकिन जो बैठक होगी ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के लिए आम होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में वापस लाया है। प्रचंड जिस तरह से हमने पहले कार्यकाल में देखा था कि जिस तरह से हर वर्ग को खुश करने के लिए प्रत्याशियों का पहले चयन किया गया, उसी के बाद मंत्रियों का भी चयन उसी जातिगत समीकरणों को देखते हुए किया गया, क्योंकि किसी को नाराज नहीं करना है, ये भी कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती होगी इस दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट चुनने के लिए। बिल्कुल, तो ये बड़ी चुनौती होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि पिछले रिज्यूम की बात करेंगे, 17 से 22 की बात करेंगे, तो उसमें इनके सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर बीच सरकार के कार्यकाल के बीच में ही उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देकर पार्टी से अलग हो गए थे और समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़े थे। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अपने सहयोगी दलों, अपना दल यस और निषाद पार्टी को कितना नेतृत्व दे, इसको लेकर भी चर्चा होगी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ संगठन मंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ये तय करेंगे कि सहयोगी दलों को कितनी सीटें दी जाएगी, ताकि जैसा 2017 से 22 के बीच हुआ था, हमारा सहयोगी दल छोड़ के पार्टी चला गया था इस्तीफा देके, तीन सब चीजों पे भी चर्चा होगी, और जिम्मेदारी भी है सरकार की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अहम है कि अपने सहयोगी दलों के साथ साथ नए कैबिनेट में जो मंत्री हार गए हैं उनके स्थान पर। बिल्कुल दिनेश जी, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो अंतिम
पहले कार्यकाल की जो अंतिम बैठक है वो आज शाम 5 बजे होगी और नई कैबिनेट के गठन को लेकर इस पर चर्चा हो सकती है।